एवरीवन, वंदना सारडा है। गाइस, कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ ब्रिलियंट अमेजिंग आइडियाज होती है, उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका प्लान होता है, सारे अप्रोच स्टेप्स सब रेडी होता है, बट फिर भी हम उस आइडिया को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। 99% ऑफ द टाइम वो आइडिया ही बन के रह जाते हैं, वो थॉट्स ही बन के रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और ये हम सब के साथ होता है। इस एज में आइडियाज आना बहुत कॉमन है, सब में कुछ ना कुछ आइडियाज आते ही हैं, बट हम लोग फिर भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जब हम किसी को कन्विंस करने जाते हैं उस आइडिया को लेके, ऑन अ बेसिक लेवल हम अपने घर वालों को, पेरेंट्स को ही कन्विंस नहीं कर पाते हैं, ऑन अ लार्जर स्केल कंपनीज इन्वेस्टर्स को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो कहाँ अटक जाते हैं हम? उस आइडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी कन्विंसिंग पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके पास सॉलिड आइडिया है, प्लान है, तो ऑब्वियसली आप सामने वाले को कन्विंस कर पाते हो। तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम कभी खुद को ही कन्विंस नहीं कर पाते हैं। जैसे ही हम सोचते हैं कोई आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बारे में, हमारे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस, इतने डाउट्स आ जाते हैं। क्या ये सक्सेसफुली मैं कर पाऊंगा? क्या ये प्लान अच्छा है? क्या ये आइडिया अच्छा है? क्या ये वायबल है? बट ये थॉट्स, ये डाउट्स हमारे मन में क्यों आते हैं? क्योंकि हम खुद ही खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करते हैं कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, क्या फैक्टर्स है जो हमारे कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करती है, कैसे हम हमेशा कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस बस एक बिलीफ है दैट यू आर केपेबल एंड वैल्यूएबल, जिसको हम सेल्फ एस्टीम भी बोलते हैं। कॉन्फिडेंस बस यही है कि आप कोई भी चैलेंज लेने से पहले आप डरो मत। As someone correctly said, confidence comes not from always being right, but from not fearing to be wrong. कितनी बार हम अपने ideas किसी को convey नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हम पे हंसेंगे, but किसी के हंसने के डर से हम क्यों अपने आप को पीछे रोकें? और वो लोग होते कौन है आप पे हंसने वाले, जिन्होंने अभी तक खुद कुछ अचीव नहीं किया है? उनके हंसने के डर से हम अपनी अमेजिंग आइडियाज ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। और मैं तो बोलती हूँ क्यों ना हम इस चीज़ को मोटिवेशन की तरह यूज़ करें कि जो लोग हम पे हंसते हैं ना, हम उन्हीं को कुछ करके दिखाएं। और जो आप पे हंस रहे हैं ना, अगर आप कुछ करो ना करो, वो आप पे ऐसे भी हंसेंगे। और ऐसी स्टोरी लेके लोग, कितने लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं क्योंकि उनमें अपने आप के अपने अंदर कॉन्फिडेंस था, अपने आइडियाज़ में कॉन्फिडेंस था, और हम सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी के वजह से अपनी अच्छी आइडियाज़ को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो क्या फैक्टर्स है जो हमारे कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करते हैं? कितनी बार होता है ना कि हम अपने कॉम्प्लेक्शन को, स्किन कलर को, बॉडी वेट को लेके हम डर जाते हैं। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है, किसी का गोरा या काला होना कोई टैलेंट नहीं है, वो अपने इट कम्स बाय बर्थ। तो आप अगर गोरे हो तो इसमें आपका कोई टैलेंट नहीं है, अगर आप काले हो तो इसमें आपकी कोई इनेबिलिटी नहीं है। तो इससे इस छोटे छोटे फैक्टर्स को लेके हम अपने कॉन्फिडेंस को क्यों इम्पैक्ट करें? और सच बताओ ना, तो ये सिर्फ हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि मैं मोटी हूँ या मैं काली हूँ या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। लोगों के सामने वाले के दिमाग में शायद ये सब बातें आती भी नहीं हो, और ये सब बहुत छोटी स्केल की बातें हैं, बड़े बड़े स्केल में ये सब पॉइंट मैटर भी नहीं करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत इम्पैक्ट करता है, हाउ यू आर ट्रीटेड सोशली। घर पे या स्कूल में कितनी बार हम देखते हैं ना, स्कूल में ऐसा होता है कि कुछ एक लोग होते हैं जिनको बाकी सब लोग बहुत टीज करते हैं, बुली करते हैं, उस वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। तो थ्योरेटिकली छोड़ो, मैं आपको एक प्रैक्टिकली रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरी बताती हूँ कैसे कॉन्फिडेंस से लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी रोवन एटकिंसन के बारे में। आई एम श्योर आधे लोगों ने पहचाना भी नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर बीन की। अब सबने पहचान लिया, तो हम सबको पता है मिस्टर बीन एक कितने सक्सेसफुल पर्सन है, बट हम सबको क्या दिखती है? उनकी सक्सेस, उनकी ग्लोरियस लाइफ। बट लाइफ हमेशा उनके लिए इतनी इजी नहीं रही है। ही हैज़ बीन थ्रू अ लॉट ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज। ही हैज़ बीन टीज्ड एंड बुलीड बाय हिज क्लासमेट्स बिकॉज ऑफ हिज लुक्स एंड हिज स्पीकिंग डिसऑर्डर। उनको सब लोग एबनॉर्मल, एलियन तक बोलते थे उनके लुक्स के वजह से। कोई उनके साथ रहता नहीं था, कोई उनसे बात नहीं करते थे, उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था। वो अपना सारा टाइम अलोन ही स्पेंड करते थे, और वो बहुत शाय नेचर के भी थे। बट उनको लोगों को हंसाने में बहुत मज़ा आता था, और उनको साइंस काफ़ी पसंद था। बट उनके टीचर्स का कहना था कि ये बहुत ही ऑर्डिनरी बंदा है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है,
एंड ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग एंड गॉट एडमिशन इट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टाइम उन्होंने रियलाइज किया दैट ही हैड अ पैशन फॉर एक्टिंग. कैन यू बिलीव, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा अपने लुक्स के लिए टीज हुआ है, जिनको स्पीकिंग प्रॉब्लम है, ही हैज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैमरिंग, वो बंदा एक्टिंग के बारे में सोच भी सकता है. तो उन्होंने इनरोल किया एक कॉमेडी ग्रुप के लिए बट गॉट रिजेक्टेड बाई अ लॉट ऑफ टीवी शोज. इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. अब सबको पता है मिस्टर बीन एक कितना सक्सेसफुल शो रहा है, कितने बड़े कॉमेडियन रहे हैं. बट उन्होंने हमेशा अपने आप पे भरोसा रखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ चले और इतना कुछ अचीव किया. इतना लाइफ में कुछ झेलने के बाद भी उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को हिलने नहीं दिया, उन्होंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस वजह से आज उन्होंने कितना कुछ अचीव किया है. तो फ्रेंड्स, मिस्टर बीन की लाइफ से हमने एक चीज़ तो सीख ली कि कैसे इंसान का कॉन्फिडेंस उसके इनएबिलिटी से फाइट करके उसको सक्सेस अचीव करा सकता है. मैं आपके साथ एक बहुत ही बेसिक सा थॉट शेयर करती हूँ. जब भी हमारे पास इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो ये जो बेसिक HR राउंड या इंट्रोडक्शन राउंड होता है, ये एक्चुअली क्यों होता है? डू यू रियली थिंक ये उनको आपका नाम, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानने में इंटरेस्ट है? वो तो ऑलरेडी आपके रेज्यूमे में होता है और आप उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया मीट कर चुके हो, इसीलिए आपके पास वो कॉल आया है. बट फिर वो आपको क्यों पर्सनली बुलाते हैं? बस उनको यही जानना होता है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आप कितना कॉन्फिडेंट हो खुद को लेके. सो यू कैन सी कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है हर एक लेवल में. तो हमने ये तो जान लिया कि कॉन्फिडेंस क्या है और ये कितना ज़रूरी है, बट ये कॉन्फिडेंस हम अपने अंदर लाए कैसे? जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था पॉजिटिव एटीट्यूड में, कि ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं मिल सकता, ये हमें अपने अंदर बिल्ड करना पड़ता है, अपने डे टू डे लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, इसको हमें हमेशा लाइफ में थ्रू आउट प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है. तो मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताती हूँ जिससे कि हम ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं. सो गाइस, व्हेनेवर यू आर अबाउट टू स्टार्ट एनीथिंग, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सक्सेस हो या फेलियर हो, वो आपको ही झेलना है. इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ एनीवन एल्स. तो ये जो भी आप कर रहे हो ना, वो अपने लिए है, आप अपने लिए कर रहे हो कुछ भी, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी दिमाग में लाना ही नहीं है. आपकी लाइफ है, आपको क्या करना है क्या नहीं, आपका आइडिया कैसा है कैसा नहीं, वो आप डिसाइड करोगे. लोगों के हंसने से या उनके कुछ भी बोलने से, वो सब चीज़ें ध्यान में ही नहीं लानी है. और एक बात, जब भी आप कुछ भी स्टार्ट करने वाले होगे ना, जस्ट इमेजिन द मोमेंट जब आप वो अकॉम्प्लिश कर लोगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, यू नो, इट गिव्स ए फीलिंग ऑफ पावर कि हाँ यार, मैं ये कर सकती हूँ. सेकेंडली, बिलीव योर एबिलिटी टू इम्प्रूव. एक ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है. यू नो, लाइफ में कोई भी चैलेंज हो, कोई भी टास्क हो, कितना ही डिफिकल्ट हो, आप हमेशा यही माइंडसेट रखोगे कि मैं ये कंप्लीट करूँगी. कंप्लीट हो नहीं हो, उसका एंड रिजल्ट चाहे जो भी हो, पहले से ही डर के हार मान के बैठना नहीं है, एटलीस्ट ट्राई तो करूँगी. कोई भी टास्क रहने दो, मैं ये करके देखूँगी. ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है. थर्डली, यू नीड टू एक्सेप्ट योर फेलियर एंड मिस्टेक बट नेवर एक्सेप्ट योर इनएबिलिटी. हमेशा यही सोचो कि कभी भी दिमाग में ये मत आने दो कि मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हूँ, ये मेरे से हो नहीं पाएगा. हमेशा यही सोचो कि चाहे कोई भी टास्क रहने दो, ये मैं कर सकती हूँ और ये मैं करके दिखाऊंगी. हमेशा यही माइंडसेट होना चाहिए. बाद में उसका एंड रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं, वो सब सोच के पहले से ही हारना नहीं है. टेक क्रिटिसिजम्स एज चैलेंज. अगर आप पे कोई इंसान हंसे या कोई आपको क्रिटिसाइज करे, तो उस चीज़ को ही अपना मोटिव बना लो, उसी चीज़ को अपना मोटिवेशन बना लो कि इसको तो मैं करके दिखाऊंगी. ये मेरे पे हंसा तो हंसा कैसे, और मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैंने जो टास्क लिया है मैं ये करके ही दिखाऊंगी. हमेशा यही माइंडसेट रखना है और यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन एवरी सिचुएशन. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर मोर सच मोटिवेशन वीडियो, प्लीज़ बी कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.